मेरी जिंदगी सवारी मुझे आदाब, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जीवन मोटिवेशन। तो आज हम बेसिकली, आप सब जानते हैं कि आज चिल्ड्रंस डे और दिवाली भी है, तो आज मैं बच्चों के साथ चिल्ड्रन डे सेलिब्रेट करने वाला हूँ। बेसिकली हम सब जानते हैं कि आज पंडित जवाहरलाल नेहरू का बर्थडे भी है और जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, तो उन्हीं की याद में ये मनाया जाता है। और बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, यानी बच्चों के साथ बहुत प्यार था उन्हें। तो अब इस डे को हम अगर देखें तो कोविड-19 चल रहा है, तो सारे स्कूल्स ऑफ हैं इस टाइम, तो सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे हैं, तो घर में बच्चे सारे हैं। जैसे टीचर्स डे भी ऑनलाइन ही सेलिब्रेट किया, तो मैं बेसिकली आई एम अ टीचर और मैं कुछ बच्चों के साथ यहाँ पे जो चिल्ड्रन डे सेलिब्रेट करने वाला हूँ। होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगेगी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। फर्स्ट आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी चिल्ड्रन डे एंड हैप्पी दिवाली। Today I want to tell a topic about Children's Day. Children's Day is celebrated on 14th November every year in India. It is the birth anniversary of Pandit Jawaharlal Nehru. Pandit Nehru was the first Prime Minister of India. He loved children very much. He compared children with birds of flowers. Children fondly called him Chacha Nehru. Children's Day is a happy day for children. It is also called Bal Divas. On this day, schools and colleges organize various events like dance, drama, music, speech, essay writing, etc. Competitions for children. Children take part in these activities and enjoy it. Sweet book and gifts are distributed by the schools to each and every child. Many kinds of programs are also conducted on social media, which guides the children. Children Day is a great day to take forward Nehru's dream in the education of the children so that they can be valuable citizens of the nation. There is something we can't buy. One of such things is childhood days, and that you will realize only when you grow old. Thank you. रोने की वजह ना थी, रोने की वजह ना थी, ना हंसने का बहाना था। क्यों हो गए हम इतने बड़े, इससे अच्छा तो वो बचपन का समाना था, इससे अच्छा तो वो बचपन का समाना था। सुप्रभात, मेरा नाम मानिक शर्मा। आज मैं आपके सामने बाल दिवस उपलक्ष पर कुछ अपने विचार रखना चाहता हूँ। जैसे कि हम सब जानते हैं कि यहाँ बाल दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम 14 नवंबर को बाल दिवस क्यों मनाते हैं। हम 14 नवंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू को हम यहाँ बाल दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। सबसे पहले आपको मैं बताना चाहता हूँ कि हम 14 नवंबर को बाल दिवस क्यों मनाते हैं। भारत में हम 14 नवंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू को श्रद्धांजलि के रूप में बाल दिवस मनाते हैं। भारत में पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी का जन्म 14 नवंबर 1879 को हुआ था। इस प्रकार हम उनकी जयंती को भारत में बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। पंडित नेहरू जी ने भारत स्वतंत्रता आंदोलन में एक प्रमुख नेता की भूमिका निभाई। उन्होंने दो बार भारत को प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। उन्होंने बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देने के लिए वकालत की। उनका यह भी मानना था कि बच्चे हमारे राष्ट्र का भविष्य हैं, इसलिए उनका पालन पोषण और शिक्षा अच्छी तरह से होनी चाहिए। इससे पहले कि मैं निष्कर्ष निकालूं, मैं चाचा नेहरू का कौर चाहूँगा। आज के बच्चे कल का भारत बनाएंगे, जिस तरह से बच्चों को हंसाते चाचा नेहरू, दिल में बहाते अनोखा प्यार करते वो बच्चों को प्यार बेशुमार करते वो बच्चों को प्यार बेशुमार। मैं आप सभी को बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देने चाहता हूँ। धन्यवाद। को गले लगा के बैठा दिया फलक पे, मुझे खाक से उठा के यारा तेरी यारी को, मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा।
फसाना, मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया, फलक पे मुझे खाक से उठा के, यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा फसाना, तेरे जैसा यार कहाँ कहाँ ऐसा याराना, तेरे जैसा यार कहाँ कहाँ ऐसा याराना, मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया, फलक पे मुझे खाक से उठा के, यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा फसाना। Good teacher help us to become good human beings in the society and good citizens of the खड़ी हो जाओ तो गाय कास्ते डांस करने किसको आता है, खड़ी हो जाओ खड़ी हो जाओ, करना भी है, चलो उठ जाओ दोनों डांस करो। हाँ चलो डांस करो, इधर मेरे आगे आके इधर, हाँ गाओ गाओ, अच्छे से गाओ, मेरे को ही काटने लग पड़ी बदतमीज लड़की। चलो बैठ जाओ, इतने डांस कराना भी बेकार है। बैठ जाओ मानिक, स्टैंड अप। यस मैम। आगे आ जाओ, पहले बताओ क्या काम है, इधर डांस करके दिखाओ। आपकी शादी लगी है। डांस करो इस गाने पे, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, करो इस, चलो करके दिखाओ फिर। चलो अभी ABC सुनाओ, तुम खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, वो तो मैं बैठी हूँ, चाय थोड़ी सी पी लो, और भाग जाओ, खड़ी हो जाओ, सुना दे, सुनती है तो आता है क्यों नहीं है, मैं नहीं सुना रही हूँ, ये सुना रही हूँ। नहीं पहले आप गाओ फिर मैं गाती हूँ, खड़े हो जाओ। थैंक यू स्टूडेंट्स, हमने ये ड्रामा सिर्फ बच्चों को हंसाने के लिए किया था
और हमें अपने पेरेंट्स की हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमें अपने हमेशा बड़ों की रिस्पेक्ट, टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। कई बच्चे होते हैं जिनको कोई टीचर डांट देता है तो वो ऐसे मन में बहुत ज़्यादा उनके बारे में बुरा बोलते हैं, ऐसे घर जाके उनके बारे में बहुत बुरा सोचते हैं कि वो टीचर ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। हमारी क्लास में बहुत ऐसे बच्चे हैं जो ऐसे बोलते हैं, पर हमें ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए क्योंकि वो हमारे गुरु हैं जो हमें सिखाते हैं कि हमें अपने पेरेंट्स की हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए और अपने बड़े भाई बहनों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मेरा नाम चंदन देवी है, मैं यहाँ पर ट्यूशन पढ़ती हूँ। हम बहुत कुछ सीखते हैं, जब हम स्टेज पे आने से डरते हैं तो सर बोलते हैं कि डरना नहीं होता, फिर आगे जिंदगी में आगे कभी नहीं बढ़ सकते हम। तो सारे बच्चे डरते हैं, जैसे कि कोई डरता है कि मैं कैसे बोलूँ, मुझे कहीं मैं अटक ना जाऊँ, ऐसे सारे डरते हैं। सर कहते हैं कि जब डरोगे फिर आगे कभी नहीं बढ़ पाओगे। थैंक यू। मेरा नाम मानिक शर्मा है, हम यहाँ पे ट्यूशन पढ़ते हैं। हमें यहाँ पे सर बहुत कुछ सिखाते हैं, जैसे मोटिवेशनल स्पीच बताते हैं, इंस्पायरेशन स्पीच बताते हैं। हमें ये बोलते हैं कि हमें कहीं भी आगे बढ़ने से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे हम स्कूल में स्टेज पे जाने बोलने के लिए हम डरते हैं, फंक्शन वगैरह तो हम बोलने के लिए डरते हैं, हमें ऐसे डरना नहीं चाहिए। ये हमें बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, हम यहाँ पे पढ़ते भी हैं, हंसते भी हैं। थैंक यू। आपने सारे ओके। मेरा नाम शुभाना आजमीन है, मैं ट्यूशन में बहुत कुछ सीखती हूँ। ओके। मेरा नाम समीक्षा शर्मा है, मैं सिक्स क्लास में पढ़ती हूँ। मैं दूसरे सर के पास ट्यूशन पढ़ती हूँ, वो बहुत अच्छा पढ़ाते मेरा नाम नहीं बोल वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। मेरा नाम अफराज अहमद है और मैं यहाँ पर ट्यूशन पढ़ता हूँ, और हमारे ट्यूशन टीचर हमें बहुत कुछ सिखाते हैं और वो बताते हैं कि हमें बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, अपने से छोटों से प्यार से बात करनी चाहिए, और अगर लाइफ में बढ़ना हो आगे तो किसी भी चीज़ से डरना नहीं चाहिए। थैंक यू। अच्छी वॉइस पे बोल। मेरा नाम चिमरन शर्मा है, मैं फिफ्थ क्लास में। हम सारे बच्चे इधर बहुत कुछ सीखते हैं, सर हमें सिखाते हैं हमें कभी डरना नहीं चाहिए, हमें बड़ों की रिस्पेक्ट करना चाहिए, छोटों की रिस्पेक्ट और दादा दादी सबकी रिस्पेक्ट करना चाहिए, हमें छोटे बच्चों की भी रिस्पेक्ट करें। सर हमें बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, हमें हंसाते भी हैं। सर हमारी गलती होती है तो सर हमें डांटते भी हैं, सर हमें बहुत कुछ सिखाते भी हैं ट्यूशन में। हेलो एवरीवन, ये जो एक ड्रामा क्रिएट किया गया था ये सिर्फ एक हंसाने के लिए आप सबको था, और बेसिकली हम यहाँ पे ये चीज़ें नहीं दिखाना चाहते, सिर्फ हमने एक हंसाने के लिए सबको के चिल्ड्रन डे वाले दिन बच्चों को थोड़ा हंसाया जाना चाहिए, थोड़ा डिफरेंटली इनके साथ रहना चाहिए। बाकी इन बच्चों के साथ यही अपने व्यूज़ देंगे कि हमें किस तरीके से हमने क्या करना है, पेरेंट्स की कैसे रिस्पेक्ट करनी है, ये सारी चीज़ें इनको पता है ऑलरेडी। मैं इस चीज़ पे बहुत वर्क कर रहा हूँ कि ये बच्चे जो हैं आने वाला फ्यूचर है, और इनका फ्यूचर जो है वो सिक्योर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी आप इसको लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।